मेन्यू 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 अभी तक आप लोगों ने मेन्यू के बारे में इतना ज़्यादा सुन लिया है कि आप कह रहे होंगे कि और अब मैं मेन्यू के बारे में क्यों बताए जा रहे हैं बार बार बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस पार्ट इज़ अबाउट मैनेजिंग योर मेन्यू लोकेशंस आपको जब मैंने बताया था कि मेन्यूज़ क्या होते हैं उसमें एक क्रिटिकल पार्ट मैंने जिक्र अभी तक नहीं किया वो ये है कि मेन्यू की लोकेशन बड़ी मैटर करती है आपको अगर याद हो कि जब मैं मैंगोबाज डॉट कॉम पर गया तो वहां पे सामने ऐसा आपको मेन्यू नजर नहीं आ रहा इट्स ओनली व्हेन यू क्लिक ऑन द थ्री लाइंस ऑन द टॉप के आपको उसका मेन्यू एकदम से सामने नजर आता है सो so, मेन्यू की जो लोकेशन है वो थीम बाय थीम डिफर करेगी यूजुअली थीम्स uh, में जो मेन्यू की लोकेशन है दैट्स ऑन द टॉप सबसे टॉप पे आपको एक अपने लोगों के साथ राइट हैंड साइड पे या उसके नीचे एक जगह नज़र आएगी दैट्स यूजली द मेन्यू लोकेशन बट इन सम केसेस देयर माइट बी अ सेकेंडरी मेन्यू एज वेल थीम पे डिपेंड करेगा कि किस तरह की मेन्यू लोकेशन वो आपको ऑफर करती है और साथ साथ आप कौन सी मेन्यू लोकेशन को यूज़ करना चाह रहे हैं यू वुड बी वेरी सरप्राइज टू नो कि विजिट्स कैन ऑल्सो शो मेन्यूज और जहां जहां विजिट नजर आएंगे वहां वहां आप मेन्यूज़ को दिखा सकते हैं

वेल यूजिंग प्लग हम प्लग इन यूज करेंगे पेज बिल्डर बाइ साइट ऑरिजिन दैट वील बी टीचिंग यू हाउ टू चेंज द लोकेशन ऑफ दीज मेन्यूज तो मेन्यूज क्या थे मेन्यूज आर द टॉप लिंक्स द लिंक्स ऑन द टॉप ऑफ योर वेबसाइट जो सबसे पहले लोग देखते हैं आप मेन्यूज की लोकेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं यू विल गो टू अपेरेंस मेन्यूज वहाँ से या तो आप कोई एक नया मेन्यू क्रिएट करेंगे या आप अपने करंट मेन्यू को एडिट करेंगे और वहाँ से आप नीचे उसकी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं या यू कुड गो टू द मैनेज लोकेश टैब विच इज़ अवेलेबल इन अपेरेंस मैन्यूज और वहाँ से आप उसकी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप मैनेज लोकेशन के सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पे नजर आएगा कि ये पर्टिकुलर थीम जो आपने इस वक्त इंस्टॉल की हुई है ये कहां कहां आपको मेन्यूज ऐड करने की या उसको प्लेस करने की ऑप्शन दे रहा है एंड बेस्ड ऑन दोज प्लेसमेंट्स यू विल बी एबल टू डिसाइड कि आपने मेन्यू को कहां प्लेस करना है अगेन याद रहे कि अगर आप किसी मेन्यू को नहीं भी यूज करते द मेन्यू विल स्टे देयर आप अपनी मर्जी से मेन्यूज को री uh, यूज कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं सो एज सेड यू मे हैव वन मेन्यू लोकेशन और यू मे हैव मल्टीपल डिपेंडिंग ऑन द थीम दैट इज करंटली इन यूज आपकी थीम पे डिपेंड करेगा कि ये मेन्यू आप uh, कहाँ प्लेस करेंगे कहाँ दिखाएंगे कुछ थीम्स में एक प्राइमरी मेन्यू का कॉन्सेप्ट भी होता है एज आई टोल्ड यू एंड सम थीम्स ऑल्सो गिव यू दी ऑप्शन ऑफ हैविंग अ सेकेंडरी मेन्यू देट इज़ अ मेन्यू वेर यू कैन एड अ सेकेंडरी लेवल ऑफ नेविगेशन लिंक्स याद रखिएगा कि असाइनिंग एन एग्जिस्टिंग मेन्यू दैट यू हैव क्रिएटेड टू द अप्रोप्रिएट लोकेशन यू कैन डू दैट बाई सेलेक्टिंग फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप उस मेन्यू की जो लोकेशन है राइट right, वो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अल्टरनेटिवली आप आ, ये भी कर सकते हैं कि यू क्रिएट अ न्यू मेन्यू एंड असाइन इट अ लोकेशन बाय क्लिकिंग ऑन द यूज़ न्यू मेन्यू लिंक सो ये अगेन आप पे डिपेंड करता है एंड यू कैन सी दिस हियर इज वेल इन जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि ये आपके पास ऑप्शन हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं मेन्यू को दिखाने के लिए so सो हम बात कर रहे थे मेन्यूज़ के बारे में मेन्यूज़ एंड देर लोकेशन इज़ सुपर क्रिटिकल एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द थीम हम मेन्यूज को डिफरेंट जगह प्लेस करके देखेंगे कि वो कैसे नजर आते हैं सो फर्स्ट आई गो टू अपेयरेंस आई गो टू मेन्यूज एंड वहां पर जैसे मैंने आपको बताया था कि आप करंट मेन्यू जो सिलेक्टेड है उसको देख सकते हैं आप इस मेन्यू के नीचे इसकी डिस्प्ले लोकेशन भी एक नजर आ रही है विच इज नेविगेशन मेन्यू वट हैपन्स इफ आई डी सेलेक्टेड एंड क्लिक ऑन सेव मेन्यू देखते हैं कि अगर मैं इसको डी सेलेक्ट करता हूं और मैं अपनी साइट के होम पेज पर जाता हूँ तो क्या नजर आता है सो ऑन द साइट्स होम पेज और आप देख सकते हैं कि मैंने थीम अपना थोड़ा सा चेंज किया है यू विल सी ऑल पेजेस दैट आर देयर क्यों क्योंकि अगर आप कोई मेन्यू ऐड नहीं करेंगे या कि, किसी मेन्यू को इस लोकेशन पे असाइन नहीं करेंगे तो जितने भी पेजेस आपके पास बने हुए सारों की आ, आप मेन्यू लिंक्स जो है वो आपको यहां पे दिखाएगा बट वट इफ आई गो बैक एंड आई गो टू मैनेज लोकेशन एंड आप देख रहे हैं कि यहां पे नेविगेशन मेन्यू कोई सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ सो आई सिलेक्ट ऑन टॉप मेन्यू एंड एंड क्लिक ऑन सेव चेंजेस नाउ दैट आई हैव असाइंड अ लोकेशन टू अ मेन्यू आई विल गो टू माई साइट एंड आई विल सी के देखें अब मेरा मेन्यू अपडेट हो गया है अब वो देखें पाकिस्तान के नीचे हरार की भी नजर आ रही है सब मेन्यूज भी नजर आ रहे हैं सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ वेरी क्रूशल टू सी कि आपकी थीम आपको कौन कौन सी मेन्यू की लोकेशन ऑफर करता है ये याद रखिएगा कि हर थीम में मल्टीपल लोकेशन भी हो सकती हैं तो आपने डिसाइड दिस, करना है और आपने अपनी वेबसाइट के लिए डिफाइन करना है के कौन सी मेन्यू लोकेशन आर राइट फॉर यू एंड वर्क फॉर यू सो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एक और चीज जो हम कर सकते हैं वी कैन गो टू विजिट्स एंड वी कैन एड हियर सो आप देख सकते हैं इस थीम के दो विजिट एरियाज हैं मेन विजिट एरिया विच अपियस इन द फुटर सेक्शन ऑफ द साइट एंड देर इज अ सेकेंडरी विजिट एरिया विच अपीयर्स ऑन पोस्ट एंड पेजेस इन द साइट बार तो वट विल डू इज

नेविगेशन मेन्यू को एज अ विजिट डालना चाह रहा हूँ सो हूं गो एंड आई एड ए नेविगेशन मेन्यू और मुझे पूछ रहा है कि मेन्यू सिलेक्ट करें कौन सा मेन्यू आप दिखाने जा रहे हैं फुटर में भी एड करना चाह रहा हूं सो so मैंने इनको एड कर दिया मैंने इनको सेव कर दिया नाउ वेन आई ओपन माई वेबसाइट ई वॉन्ट टू सी के मेन्यूज नजर आए अब आप देखें कि वो मेन्यूज है फुटर पर नहीं आ रहा सो so, हम ये देखेंगे कि क्या रीजन है कि फुटर पर यह मेन्यूज नहीं नजर आ रहे सो so, ये टोटली totally डिपेंड करेगा आपकी थीम पे और कभी कभी इस तरह के uh, चैलेंजेस आपको फेस हो सकते हैं वेयर समथिंग इज़ नॉट वर्किंग और जिस तरह के आप लाइव देख रहे हैं हम भी आपके साथ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि वाई इज़ इट वर्किंग और वाई इज़ नॉट बट द कोर पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेन्यूज़ इज़ कि आपको लिंक्स का पता होना चाहिए जो आप ऐड करना चाह रहे हैं साथ ही साथ आपने उनकी लोकेशन को देखना है कि किधर आप उन मेन्यूज़ को ऐड करना चाहेंगे इसी तरह मैं आपको पेजेस में जल्दी से दिखा दूँ कि अगर आप एक मेन्यू को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह ऐड कर सकेंगे सो एक करंट पेज में उठाऊंगा अबाउट डीजी स्किल्स एंड आईल इट और एडिट करने के बाद आई क्लिक ऑन पेज बिल्डर एंड हियर आई ऐड अ विजिट नेविगेशन मेन्यू आई इट एडिट मैं सिलेक्ट करूंगा टॉप मेन्यू एंड आई क्लिक ऑन डन आई क्लिक ऑन अपडेट एंड जब मैं सामने जाऊंगा तो आप देखिए मेरे पास वो नेविगेशन मेन्यू दोबारा एक पेज में भी आ गया सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मेन्यूज़ यू कैन ऐड मेन्यूज एज यू वॉन्ट जिधर आप उसको ऐड करना चाह रहे हैं जिस तरीके से ऐड करना चाह रहे हैं आप पे डिपेंड करता है यूज मेन्यूज दिस इज़ अ वेरी पावरफुल फीचर ऑफ वर्ड जिससे आप अपनी साइट का नेविगेशन सिस्टम सेट कर सकते हैं नेविगेशन सिस्टम सेट करने से मुराद है आप इस साइट की एस भी कंट्रोल कर सकते हैं सो so, यूज